इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इसको आपके हवाले करने आया हूँ? मेरे हवाले? क्यों, क्या ये तुम्हारा बेटा है? नहीं नहीं, मेरा बेटा नहीं। ये बेचारा तो एक बस स्टॉप पे खड़ा फूट फूट के रो रहा था। लगता है इसके माँ बाप नहीं, अनाथ है, इसलिए मैंने सोचा आपके पास ले आऊं, आप इसे रख लीजिए। मेरा परिवार खुद बहुत बड़ा है भाई। तो एक काम करो, फिर इसको हवालात में रख लो। हवालात में कैसे रख लूं? ना इसने कोई जुर्म किया है ना कोई गुनाह। तो मैं क्या करूं, मैं कहां ले जाके रखूंगा इसको? अरे तो ले जाओ किसी अनाथ आश्रम में भर्ती करा दो। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में ये मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख प्यास गरीबी जुल्म मार सहते सहते बड़े होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब मैं तो कहता हूँ रुपये में 12 आना जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, इस बात की जिंदा मिसाल मैं हूँ। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ और बाहर निकलकर आदि मुजरिम बन गया। बताओ, मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर तुम्हारा कलेजा ही लौटेगा। एक मर्तबा की बात है। अबे चुप, मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, तो अपनी कहानी बीच में घुस रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी इस वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम, ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पलने के लायक है? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांधे अनाथ आश्रम में पलकर बड़े होंगे? एक काम करो जी, तुम खुद इस बच्चे की परवरिश करो। मैं? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूंगा। बोलो, मंजूर है? देश के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लाइए लो, अभी सिर्फ इतने रख लो, अगले महीने से हर महीने मुझसे तुम 100 रुपए ले जाया करना। हर पहली को पहुंच जाऊंगा, लेकिन इस बच्चे की परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आने पाए। मैं अपनी जिंदगी में कमी आने दूंगा, मगर इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं इसे नेक और शरीफ इंसान बनाऊंगा, आज से यही मेरा कर्तव्य है। जाओ। चलो बेटा, भगवान तुम्हें सफल करे। प्यारे बच्चों, अपने अपने घर जाओ और माँ बाप से कहो कि एक नया लीडर पैदा हो गया है, उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई है और उसने अपनी पार्टी का एक झंडा बनाया है, और वो झंडा ये डंडे में लटक रहा है, और ये झंडा लहरा कर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। अरे ये झंडा कहाँ गया? झंडा यह है बापू। अबे तू झंडा मार के लिया? तो क्या करता बापू, वो फांदेबाज नेता पब्लिक को झूठ बोल बोलकर अपनी बड़ाई मारा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। साला करता तो कुछ तो है नहीं, इसलिए मैंने झंडा मार दिया। अबे मगर झंडे का क्या करेगा? अपने दोनों तले पैजामा बन जाएगा। वैसे आपका पैजामा कितना सड़ा हुआ है, बास आती है। अबे तो सुनता क्यों है, उल्लू का पट्टा तेरे को मालूम है कितना खतरनाक लीडर है वो? इस शहर के एक आदमी और उसके बच्चे ने मिलकर जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन दहाड़े चोरियां करते हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है उन्होंने भरी सभा में डंडे का झंडा गायब कर दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैंने कितना कहा, मेरी भी कहानी नहीं सुनी उसने। आप उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, वरना हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। आप लोग जिस बाप बेटे की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो आपको सिर्फ एक ही बार लूटा होगा, लेकिन मुझे तो पिछले 6 महीनों से लगातार लूटते आ रहे हैं। वो आदमी अपने बेटे को अनाथ बताकर उसकी परवरिश के लिए मुझसे पैसे लिए जा रहा है। तुम सब लोग चलो, आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चल बाबू चल, आओ यही घर है, चलो चलो चलो। अरे अरे यहाँ तो कोई नहीं, कहाँ गए बापू? क्यों ना हम आपकी बहन के पास चले जाए? तेरा दिमाग खराब है क्या, क्यों जबरदस्ती मौत के मुंह में जाना चाहता है? उधर डर के मारे मेरा बाप है ना, तेरा दद्दू है ना, वो भी नहीं जाता है। क्यों? वो जो मेरा जीजा जी है ना, वो कस्टम ऑफिसर है, बहुत खड़ूस आदमी है। अरे इतने बड़े आदमी के डरते हो, तुम चलते हो, मैं सीधा चले जाऊँ। अरे तू कैसा चला जाएगा, तो मैं यहाँ क्या बैठ के भीख मांगूंगा क्या? आइडिया अच्छा है, लगते भी खानदानी भिखारी। क्या बोला? ए मुंह संभाल के बात कर रहे, तो बहुत मारूंगा। नहीं तो मैं चल जाऊंगा। अरे तू ऐसे कैसे चला जाएगा, क्या तेरे बाप का बेटा? देख मुंह संभाल के बात कर, बहुत मारूंगा। मैं चल जाऊंगा। अबे चुप, क्या मुसीबत है यार, एक औलाद मेरी साली, वो भी बाप के समान है। चलता हूं चल। हे भगवान, मेरे को मेरे जीजा जी प्रताप सिंह के गुस्से से बचाना।